guys, very welcome to my YouTube channel. Hope you guys all are doing great. So today's video is a hair care tips. As you can see, my hair is very very silky, shiny and smooth. मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या आपने अपने बालों में कोई ट्रीटमेंट करवाया है, लाइक रीबॉन्डिंग एंड स्ट्रेटनिंग. बट मैंने अपने बालों में ऐसा कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया है. बाई बर्थ मेरे बाल सिल्की थे, बट मैंने शाइनी उसे बनाया है कुछ केयर करके एंड कुछ होम रेमेडीज ट्राई करके. सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू माई एक्सपीरियंस, मैंने अपने बालों की कैसे केयर की है, एंड आई विल शेयर यू सम होम रेमेडीज एज वेल विच यू कैन अप्लाई एट होम. एंड दीज ऑल आर द वेरी वेरी नेचुरल थिंग्स, सो आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा. सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग इज दैट हेयर ऑयल. हेयर ऑयल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अपने बालों में कुछ कुछ दिनों में तेल जरूर ही लगाएं, बिकॉज तेल लगाने से आपके बालों में नमी रहती है, आपके बाल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं. तेल लगाएं तो आप हल्का सा उसको गुनगुना करके लगाएं, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए. हल्का सा गुनगुना करके तेल लगाने से फायदा ये होता है कि आपके बालों में वो तेल अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, एंड आपको जो भी हेयर टेंशन होती है या आपको हेडेक होता है तो वो भी दूर हो जाएगा. एंड उसके बाद आपको हल्के हाथ से अच्छे से मसाज कर लेना है, एंड उसके बाद कॉम्ब जरूर करिए ताकि आपके बालों का जो भी तेल है वो अच्छे से आपके बालों में स्प्रेड हो जाए. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हेयर ऑयलिंग करने के लिए आपको जब भी आप शैम्पू करें आप उसके 2 घंटे पहले हेयर ऑयलिंग करें. अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट 1 घंटे का गैप जरूर बनाएं. बहुत से लोग बोलते हैं कि रात में तेल लगा के सो जाओ एंड सुबह बाल धो लो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप रात में तेल लगाओगे तो वो आपके जाके बिस्तर में लग जाएगा. इसीलिए कोशिश करिए आप सुबह नहाने के पहले जब भी आपको बाल धोना है उसके एटलीस्ट 2 घंटा पहले अच्छे से अपने बालों में मसाज करके हेयर ऑयल लगाएं, तब आप बाल धोने जाएं. ओके, सो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट शैम्पू. शैम्पू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको किस तरीके का शैम्पू चुनना चाहिए ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. सल्फेट फ्री होना चाहिए, माइल्ड शैम्पू यूज करें, बहुत ज्यादा हार्श शैम्पू नहीं होना चाहिए. एंड शैम्पू जो है, बहुत से लोग बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार शैम्पू करना चाहिए वरना बाल टूटने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज आजकल का ट्रेंड बहुत चेंज हो चुका है. आजकल बहुत ज्यादा धूल मिट्टी प्रदूषण हो गया है, तो इसीलिए आपको एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार तो बाल धुलने ही चाहिए. अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी है तो आप 2 दिन के अंतर में बाल जरूर धोएं. बालों को धोने के लिए आप माइल्ड शैम्पू यूज करें, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करें, एंड बालों को धुलने के बाद कंडीशनर जरूर करें. कंडीशनर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे आपके बाल स्मूथ शाइनी एंड सिल्की रहते हैं एंड आपके बाल में फ्रीजीनेस दूर हो जाती है. कंडीशनर को बहुत ज्यादा जड़ों में ना लगाएं, बाहरी तरफ लगाएं जिससे आपके बाल स्मूथ रहें. नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट होम रेमेडीज. अपने बालों में कुछ ना कुछ होम रेमेडीज हमेशा लगाएं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार कुछ ना कुछ अपने बालों में होम रेमेडीज जरूर ट्राई करें, जिससे आपके बाल नेचुरली स्ट्रांग हो, स्मूथ हो, शाइन करें. बिकॉज बाहर का जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ केमिकल जरूर ऐड होता है, इसलिए घर का कुछ बना हुआ प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करें. यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. मेहंदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, नेचुरल कंडीशनर है मेहंदी. बहुत से लोग बोलते हैं मेहंदी लगाने से बाल ब्राउन हो जाते हैं. अगर आपके बाल व्हाइट है तभी वो ब्राउन होंगे, बट अगर आपके बाल नेचुरली ब्लैक है तो वो ब्राउन नहीं होंगे. जिनके बाल ब्लैक है अगर उनको ब्लैक ही अपने बाल रखने हैं तो वो लोहे की कढ़ाई में 1 दिन पहले रात में मेहंदी भिगो लें. नॉर्मल वाटर से भिगोएं, कोई चाय के पत्ती के पानी से ना भिगोएं, नॉर्मल वाटर से लोहे की कढ़ाई में भिगोएं. उसी के साथ अगर आपके पास अवेलेबल है रीठा, शीकाकाई, आंवला, ये सब उसमें ऐड करके अपने बालों में लगाएं. आपका नेचुरल ब्लैक कलर कभी भी ब्राउन नहीं होगा, ब्लैक ही रहेगा. नेक्स्ट पार्ट इज दैट कि अगर आपको बाल ब्राउन करने हैं या आपके बाल व्हाइट हैं तो वो अगर आप मेहंदी लगाओगे तो वो ब्राउन हो जाएंगे. मेहंदी कभी भी खाली मेहंदी ना लगाएं, उसमें कुछ ना कुछ चीज जरूर ऐड करें, बिकॉज खाली मेहंदी लगाने से मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि बाल फ्रीजी हो जाते हैं, हल्के से रूखे हो जाते हैं. तो इसलिए मेहंदी में जो मैं हमेशा ऐड करती हूँ विच इज मुल्तानी मिट्टी. मुल्तानी मिट्टी से बहुत ज्यादा आपके बाल स्मूथ हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं. आप मुल्तानी मिट्टी को खाली भी यूज कर सकते हैं, बट मुल्तानी मिट्टी को पहले 1 घंटा पहले भिगो दें ताकि वो अच्छे से फूल जाए, फिर उसको मेहंदी में ऐड करें. फिर उसके बाद मेहंदी के पेस्ट में ऐड करने के बाद उसको अपने बालों में अप्लाई करें, उससे आपके बाल बहुत ज्यादा सिल्की, शाइनी एंड स्मूथ हो जाते हैं. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अभी जैसे गर्मियां चल रही तो आप मेहंदी में दही भी ऐड कर सकते हैं. दही इज अ नेचुरल कंडीशनर, वो अपने बालों में वो मेहंदी में ऐड करेंगे तो उससे भी आपके बाल बहुत ज्यादा सिल्की, शाइनी एंड स्मूथ हो जाते हैं. तो खाली मेहंदी ना लगाएं, कोशिश करें कि मेहंदी में कुछ ना कुछ आप नेचुरल इंग्रेडिएंट ऐड करें जिससे आपके बाल नेचुरली सिल्की, शाइनी एंड स्मूथ हो जाए. मेहंदी लगाने से आपके बालों को वॉल्यूम मिलता है, आपके बाल नेचुरली स्ट्रांग हो जाते हैं. जिनके बाल टूटते हैं एंड जिसको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है वो सब भी मेहंदी लगाने से दूर हो जाते हैं, बिकॉज मेहंदी इज अ नेचुरल कंडीशन.
कोशिश करें मेहंदी को आप महीने में एक बार जरूर अप्लाई करें। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप 15 दिन में एक बार अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप 15 दिन में एक बार अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप हफ्ते में एक बार भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मेहंदी जरूर अप्लाई करें। टीन एज से आप मेहंदी लगा सकते हैं, बिकॉज मेहंदी इज अ नेचुरल थिंग। आपके बालों में कोई भी गलत इफेक्ट नहीं होगा, आपके बाल नेचुरली ग्रो करेंगे एंड आपके बाल नेचुरली स्ट्रांग होंगे। बिकॉज टीन एज एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मैंने भी टीन एज से ही स्टार्ट कर दिया था मेहंदी लगाना, तो वो नेचुरली आपके बालों को स्ट्रांग करेगा एंड नेचुरली ग्रो करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि बालों को कॉम हमेशा करते रहें। जब भी आप घर पे रहें हमेशा बालों को कॉम करते रहें, ताकि आपके बाल अलग अलग रहें, चिपके नहीं आपस में, आपके बाल में फ्रीजीनेस ना रहे, आपके बाल स्मूथ रहें, शाइनी रहें। कॉम करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक टिप देती हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं गीले बालों में कॉम नहीं करनी चाहिए, तो दैट इज वेरी वेरी राइट थिंग कि आपको गीले बालों में बिल्कुल भी कॉम नहीं करनी चाहिए। बिकॉज जब आपका स्कैल्प गीला रहता है तो आप कॉम करोगे तो बालों के टूटने की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जब आपके बाल सूख जाए तभी आप कॉम करें। बट यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब आपके बालों में हल्की सी नमी रह जाती है, जब आपके बाल सूखना स्टार्ट होते हैं, तो पहले आपके बाल नीचे से सूखना स्टार्ट होते हैं, बाद में जाके आपका स्कैल्प सूखता है। जब आपको खुद फील होगा कि यहाँ अब मेरे बाल नीचे से सूख गए हैं एंड आपका स्कैल्प में हल्की सी नमी रह गई, वो आपको खुद फील होता है, वो ऐसे नहीं दिखेगा, बट जब आप बालों को ऐसे प्रेस करोगे तो आपको लगेगा कि बालों में अभी भी हल्की सी नमी रह गई है। उसी समय आप कॉम करें एंड मोटा वाला जो कॉम होता है आप उससे करें, वो पतले साइड से ना करें जिससे आपके बाल टूटने की समस्या बढ़ेगी। मोटे वाली साइड से आप बालों को कॉम करें, लाइटली कॉम करें, हल्के हाथों से कॉम करें। इससे क्या होगा कि आपके बाल स्मूथ रहेंगे, फ्रीजीनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी आपके बालों में एंड आपके बाल सिल्की बने रहेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि बाल जब एकदम सूख जाते हैं, प्रॉपर सूख जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं या टूटने भी लगते हैं। बहुत ज्यादा आप कस के कॉम्ब करते हो सुलझाने के लिए। इसीलिए जब आपके बालों में हल्की सी नमी रह जाए आप तभी बालों को कॉम्ब करेंगे, तो पहली बात तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आपके बाल बहुत ही ज्यादा आपको सॉफ्ट फील होंगे। तो ये मेरा टिप है कि इसको आप जरूर फॉलो करें एंड जब बाल में हल्की सी नमी रह जाए तभी कॉम्ब करें, ऐसा नहीं कि गीले बालों में कॉम्ब कर लें जाके। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जब भी आप बाहर निकलें बालों को कवर करें, बाहर से आए बालों को कॉम्ब करें, क्योंकि बाहर जाने पे हमारे बाल उलझ जाते हैं, तुरंत आते ही बालों को कॉम्ब करें ताकि आपके बाल स्ट्रेट रहें। अगर आप अपने बालों में कुछ हीटनिंग या फिर आप ब्लो ड्राई वगैरह ट्राई करते हैं तो उसके पहले कुछ सीरम वगैरह अप्लाई कर लें, दैट इज अ हेयर प्रोटेक्टर एज वेल, वो आपके हेयर को प्रोटेक्ट करता है इस हीट से, बिकॉज हीटनिंग वगैरह करने से हमारे बालों की टूटने की समस्या बढ़ जाती है। तो ये इस तरह का सीरम वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, वो आप ट्राई करें तो उससे आपके बालों को एक प्रोटेक्शन मिलता है और आपके बाल टूटेंगे। So guys, here I'm ending up my video. Hope you guys like my video. If you like, then please like this video, subscribe to my channel. I will meet you in the next video. Till then, thank you so much. Bye bye.